ओके सर, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. वी विल बी स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर. हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे. द न्यू चैप्टर इज योर यूनिट 15. दिस इज योर रिलेटिंग टू कन्वर्जिंग लेंसेज. ठीक है, इस चैप्टर में क्या करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कन्वर्जिंग लेंसेज. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट लेंसेज. ठीक है, लेंस आप बताएंगे लेंस होता क्या है. लेंस बेसिकली आपका एक मटीरियल है दैट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल दैट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक. ठीक है, ये आपका एक तो ये चीज होगी कि लेंस जो आपको होते हैं वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है, ग्लास का बना होता है दैट हैज वन और बोथ इट साइड्स कर्व्ड. ठीक है, आपका ये जो लेंस होता है उसकी या तो एक साइड कर्व्ड होती है या फिर उसकी दोनों साइड्स आपकी कर्व्ड होती हैं. ठीक है, तो ये आपको दैट इज योर बेसिकली व्हाट लेंस इज. तो लेंस जो आपके वो ये चीज होती है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ होता है, या तो इसकी आपकी एक साइड जो है वो कर्व्ड होती है या फिर आप इसकी दोनों साइड जो है वो कर्व्ड होती है. ये जो आपका लेंस है दैट लेंस इज हैज वास्ट यू नो यू कैन से इसकी यूजिबिलिटी एक बहुत ज्यादा है. इट इज वाइडली यूज. ठीक है, इसको हम जो है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं. हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, नंबर ऑफ इसकी एप्लीकेशन है. वी यूज इट इन स्पेक्टिकल्स. ठीक है, हम इसको स्पेक्टिकल्स भी यूज करते हैं. वी यूज इट इन बाइनोकुलर्स. आई हैव टोल्ड यू, हमने पहले किया था इसमें. ठीक है, वी यूज इट इन बाइनोकुलर्स. वी यूज इट इन टेलीस्कोप. ठीक है, टेलीस्कोप में यूज करते हैं हम इसको. हम इसको जो अपने जो हमारे प्रोजेक्टर्स होते हैं हम इसको प्रोजेक्टर्स में भी यूज करते हैं. ठीक है, टेलीस्कोप में यूज करते हैं. वी ऑल्सो यूज इट इन प्रोजेक्टर्स. ठीक है, हम इसको यूज करते हैं कैमराज के अंदर. हमारे पास जो कैमराज होते हैं वेदर वी हैव DSLR कैमरा या हमारा इवन जो मोबाइल का कैमरा होता है ना, उस कैमरे के अंदर भी जो है ना वो आपका लेंस जो होता है वो आपका यूज हो रहा होता है. सो वी यूज इट इन कैमराज. ठीक है, तो ये आपकी जरा कुछ यू कैन से सम ऑफ द ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसी आपकी अप्लाइंसेज हैं जो कि आप नॉर्मली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं. तो इन सारी सारी आपकी जो अप्लायंसेज होती है, इन सारी अप्लायंसेज में आपको जो है वो लेंस जो आपके वो किसी ना किसी तरीके से आपका यूज हो रहा होता है. अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज योर माइक्रोस्कोप्स. सर जी बेटा, सर आपने बोला था इस चैप्टर के बाद आप पास्ट पेपर करेंगे. क्या कहा था तुमने सर, आपने कहा था पास्ट पेपर करवाएंगे, आपने बोला था. बिल्कुल सर, मैं नहीं आ रही, एक बंदा बोले बस. यस अली, तुम बोलो. सर आपने कहा था पास पेपर कराएंगे. अच्छा, पास से मैंने बोला कि चलो मैं करवा दूं पास पेपर. ठीक है, कल या परसों की क्लास में तो पास पेपर करवा दूं. सही है, अभी फिलहाल मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया, लेट्स मूव ऑन विद दिस चैप्टर. ठीक है, तो आपकी ये कुछ मोस्ट वाइडली यूज्ड आपकी एप्लीकेशंस हैं, मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशंस हैं कन्वर्जिंग लेंसेज. कन्वर्जिंग लेंस जो हम इन सब फील्ड्स के अंदर ये जितनी मैंने आपको ये लिखवाए हैं, इसके अलावा भी दिस लिस्ट गोज ऑन. ये लिस्ट आपकी जो है वो बहुत आगे तक जाती है. हर जगह जो है आपके जो लेंसेज होते हैं वो लेंसेज आपके जो वो यूज हो रहे होते हैं. और वी विल बी स्टडिंग यू नो कुछ इनमें से कुछ जो हमारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम जो है भी स्टडी करेंगे इन फ्यूचर एज वेल. ठीक है, तो ये आपका जो लेंसेज होते हैं जो कि हम यहाँ पे यूज करते हैं. सो नेक्स्ट वो गो ऑन टू द टाइप्स ऑफ लेंसेज. नेक्स्ट टॉपिक आपका है टाइप्स ऑफ लेंसेज. इस हिसाब से लिखते हैं शाबाश आप लोग. देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लेंसेज. ठीक है, दो तरह के आपके लेंसेज होते हैं. एक आपका कहलाता है कन्वर्जिंग लेंसेज, एक आपका होता है कन्वर्जिंग लेंस और एक आपका होता है डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है, तो देर आर टू टाइप ऑफ लेंसेज. एक आपका होता है कन्वर्जिंग लेंस और एक आपका होता है डाइवर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस एज द नेम सजेस्ट, कन्वर्जिंग लेंस इज दैट टाइप ऑफ लेंस दैट कन्वर्ज ऑल द लाइट पासिंग थ्रू इट. ठीक है, तो वॉट इज द कन्वर्जिंग लेंस.
ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस से जब भी आपकी लाइट पास करती है तो कन्वर्जिंग लेंस लेंस जो होता है वो उस सारी की सारी लाइट को वो कन्वर्ट करते हैं एंड इट कन्वर्ज इट टू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है सर, जरा एक सेकंड फर्स्ट स्क्रॉल करें। क्या हुआ? एक दफा जरा ऊपर स्क्रॉल करें। ओके मैक्सिमम आई कैन गो बस ठीक है सर। आप इसके नोट्स देंगे? नहीं, साथ साथ बैठ के बनाओ। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस बेसिकली अ लेंस दैट कन्वर्जेस ऑल द लाइट पासिंग थ्रू इट, और ये जो लाइट आपकी वो कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट दैट लाइट टू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, सारी सारी लाइट आपकी जो वो कन्वर्ट करती है किसी एक सिंगल पॉइंट की तरफ। सो दैट इज व्हाट अ कन्वर्जिंग लेंस डू। यूजुअली जो आपके जो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं दे आर थिकर एट द सेंटर एंड दे आर थिनर नियर द कॉर्नर्स। ठीक है, सर एक सेकंड फिर से ऊपर करना, मेरा लास्ट पॉइंट रह गया। ठीक है, तो यूजुअली आप जो कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं द कन्वर्जिंग लेंसेज आर थिकर एट द सेंटर एंड दे आर थिनर एट द कॉर्नर। यानी आप जो कन्वर्जिंग लेंस अगर आप देखें तो कन्वर्जिंग लेंस जो आपके वो सेंटर से अगर आप देखेंगे तो आपको जो वो थिन नजर आएंगे, अगर आप हाथ लगाएंगे देन यू विल फील कि आपके जो लेंस है वो सेंटर से थिक हैं, और जो उसके जो एजेस होते हैं लेंस के जो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उन एजेस से जो लेंस आपको ये थिनर नजर आएगा, तो दैट इज व्हाट कन्वर्जिंग लेंस होती है। ये जो आपका दैट इज योर कन्वर्जिंग लेंस, ये आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है। सर एक मिनट, दोबारा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। कम ऑन यार, क्या हो गया, मैं स्क्रॉल ही करता रहूं आज बस। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस जो आपका होता है उसका ये होता है कि जो आपको होता है ये आपका सेंटर से थिक होता है और जो इसके एजेस होते हैं उन एजेस से ये जो लेंस आपको होता है दैट लेंस इज अ बिट थिनर। सो दिस इज व्हाट कन्वर्जिंग लेंस इज। सर कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? मैंने बोला है कन्वर्जिंग लेंस वो होता है जो कि लाइट को हर एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा होता है, और ये जो आपके लेंस होते हैं ये सेंटर से आपके जो होते हैं वो थिन होते हैं, और जो एजेस आपके होते हैं एजेस से आपके जो लेंस होते हैं आपके वो यू कैन से कि थिन होते हैं, और सेंटर से आपके लेंस होते हैं वो थिक होते हैं। अच्छा अच्छा कन्वर्जिंग लेंस के बारे में अगर आप देखें तो कन्वर्जिंग लेंस आपके नॉर्मली इस तरह ही होते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस आप जो है वो दे आर लाइक दिस, दिस इज योर कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है। एज यू कैन सी कि ये जो आपका लेंस है दिस लेंस इज थिनर नियर द एजेस, एजेस से जो लेंस आपका वो थिन होता है और सेंटर से आपका जो लेंस होता है आपका थिक होता है, सो दैट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस आपका ये वाला भी होता है, दिस इज ऑल्सो कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये भी जो आपका है ये भी आपका कन्वर्जिंग लेंस है। इसके अलावा दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये भी आपका कन्वर्जिंग लेंस। तो देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। एक ये वाला लेंस है, इन तीनों लेंस को अगर आप देखें तो ये ऑल दीज थ्री लेंस आर थिनर फ्रॉम द एजेस एंड दे आर थिकर फ्रॉम द सेंटर, दे आर थिकर फ्रॉम द सेंटर। ये जो आपका लेंस है फर्स्ट वाला लेंस दैट इज कॉल्ड योर बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका बाय कॉन्वेक्स लेंस। एक सेकंड ऊपर कर देंगे, इससे ऊपर में नहीं, मैं नहीं जाती ऊपर ही सबसे। ये मैं नोट पैड की बात करूँ, नोट पैड नजर आ रहा है तुम लोगों की अभी? नहीं तो करे एक सेकंड सर, मुझे कन्वर्जिंग लेंस लिखना है। अब बाद में लिख, मैं लिखवाता हूँ, पहले ये लिख लो। मैं शेयरिंग मैंने किया है ना, इसलिए मैं एक चीज में एक वक्त में एक ही चीज शेयर कर सकता हूँ, बाद में तो बताता हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो आपका लेंस है, ये जो आपका लेंस है दैट इज कॉल्ड योर बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो कि जिसकी जो दोनों साइड है, दोनों साइड जो है वो आउटवर्ड कर्व्स होती है, दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, सो दिस इज कॉल्ड योर बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये जो आपका लेंस है सेकंड वाला लेंस, जिसकी एक साइड आपकी होती है बिल्कुल प्लेन होती है और एक साइड इसकी कॉन्वेक्स होती है, दिस इज कॉल्ड योर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये जो आपका लेंस है ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है, जिसकी के एक साइड आपकी होती है वो प्लेन है और एक साइड जो आपकी होती है इसकी वो कन्वर्ट यू कैन से के एक साइड इसकी जो वो आपकी कर्व होती है तो वो आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है।
ठीक है। और तीसरा आपको जो लेंस होता है दैट इज योर दिस लेंस, ये जो आपका लेंस होता है सर, मुझे ऊपर शेप बनाना उससे बनाना। अच्छा यार थैंक यू, ये क्या हुआ है? ठीक है, आपका एक तीसरा टाइप का लेंस है। इस लेंस को भी अगर आप देखें तो ये लेंस आपको जो है वो सेंटर से ठीक है, और इसकी देखिए अगर साइड्स को अगर आप देखें तो एक साइड जो है वो बाहर की तरफ कर्व हुई है, एक साइड जो अंदर की तरफ कर्व हुई है। तो ये जो आपका टाइप का लेंस है, दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड योर कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो इसकी दो साइड्स हैं, ये वाली जो इसकी साइड है दिस साइड इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, ठीक है, ये आपकी बाहर की तरफ कर्व्ड हुई है, दिस इज योर कॉन्वेक्स साइड। ये जो इसकी सरफेस है दिस सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, ये सरफेस जो आपकी वो इनवर्ड कर्व हुई है, तो दैट इज कॉल्ड योर दैट इज योर कनकेव। तो इस तरीके से यू कैन से इसकी एक साइड जो है वो बाहर की तरफ कर्व्ड होती है, एक साइड जो अंदर की तरफ कर्व्ड होती है। तो ये जो टाइप के आपके लेंस होते हैं दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड योर कनकेवो कॉन्वेक्स है, तो ये आपका कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कहलाते हैं। तो ये आपके तीन टाइप के लेंस हैं जो कि हम नॉर्मली स्टडी करते हैं। These three are the types of converging lenses. ये तीनों के तीनों आपके जो लेंस हैं वो तीनों के तीनों लेंस जो आपके हैं वो लाइट को कन्वर्ज करेंगे, लाइट को कन्वर्ज करेंगे। ये जो आपका पहला मैंने आपको लेंस बताया बाई कन्वेक्स लेंस, ये लेंस हम यूज करते हैं कैमरा के अंदर, प्रोजेक्टर्स के अंदर, माइक्रोस्कोप्स के अंदर, जितनी भी आपकी सारी इंस्ट्रूमेंट है तमाम इंस्ट्रूमेंट में हम जो है वो प्लेनो बाई कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे होते हैं। ये जो हमारा कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये हम यूज करते हैं स्पेक्टिकल्स के अंदर, जो हमारे नजर के चश्मे होते हैं, और नजर के चश्मों में जो लेंस हमारा होता है वो नॉर्मली ये वाला होता है जो कि हमारा कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगर आपको मतलब दूर की सही नजर नहीं आ रही है तो उस सिचुएशन में जो भी आप लेंस यूज करोगे अपने स्पेक्टिकल्स में वो लेंस आपका जो होगा कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस होगा, दे विल नॉट बी योर बाई कॉन्वेक्स लेंस बल्कि इट विल बी योर कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, तो वो लेंस हमारा ये वाली टाइप के होगा। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, सो दीज आर योर थ्री टाइप्स ऑफ यू कैन से आपके जो है वो तीन टाइप्स के कन्वर्जिंग लेंसेज हैं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंसेज? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंसेज। पहला जो आपका है दैट इज योर बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, बोथ साइड्स आर कॉन्वेक्स, ठीक है, दोनों साइड्स की जो कॉन्वेक्स होती हैं, बोथ साइड्स आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, ठीक है, दोनों साइड जिसकी वो आउटवर्ड कर्व्ड होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर बाय कॉन्वेक्स लेंस, आपका बाय कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। सेकेंड जो आपका लेंस था दैट वॉज योर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये जो आपका प्लेनो कॉन्वेक्स होता है वन ऑफ इट्स साइड इज प्लेन, ठीक है, वन ऑफ इट्स साइड इज प्लेन एंड द अदर साइड इज कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, एक साइड इसकी जो आपकी वो बिल्कुल प्लेन होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, और जो दूसरी साइड आपकी होती है दैट द सेकंड साइड दैट इज कर्व्ड आउटवर्ड, वो जो है बाहर की तरफ कर्व्ड होती है, दैट इज कॉल्ड योर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, वो आपका जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। तीसरा जो आपका लेंस होता है दैट इज कॉल्ड योर कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ये जो कनकेवो लेंस होता है इसकी जो एक साइड होती है वो कर्व्ड आउटवर्ड होती है और एक साइड होती है वो कर्व्ड इनवर्ड होती है, ठीक है, वन ऑफ इट साइड इज कर्व्ड आउटवर्ड्स एंड द अदर साइड इज कर्व्ड इनवर्ड्स। ठीक है, तो एक साइड जो आपकी वो बाहर की तरफ कर्व्ड है, एक साइड जो आपके वो अंदर की तरफ कर्व्ड है, तो ये जो आपके टाइप के लेंस होता है दैट टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड योर कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये तीन टाइप के आपके लेंसेज होते हैं, तो इन तीनों लेंसेज की जो आइडेंटिफिकेशन है वो बेसिकली आपको आनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो है दीज आर कॉल्ड आर कन्वर्जिंग लेंसेज, ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं।
ओके नेक्स्ट हमारे जो डाइपोल लेंसेज थे दीज वर योर डाइवर्जिंग लेंसेज, तो दूसरा हमारा जो लेंस था दैट वाज योर डाइवर्जिंग लेंसेज, ठीक है। तो व्हाट वर डाइवर्जिंग लेंसेज, डाइवर्जिंग लेंस आर दोज लेंसेज दैट डाइवर्जेस ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन देम, ठीक है। जो भी लाइट आपके इस पे जब फॉल करती है तो जो डाइवर्जिंग लेंस होते हैं उस लेंस को डाइवर्ज कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, फैला देते हैं आपके। सो दे दिस इज व्हाट द डाइवर्जिंग लेंस इज, दे डाइवर्ज द लाइट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। किसी एक पॉइंट से लाइट को वो डाइवर्ज कर रहे होते हैं, तो वो जो आपके होते हैं दैट इज कॉल्ड योर डाइवर्जिंग लेंसेस। ये जो आपके लेंस होते हैं ये जो आपके लेंस होते हैं दीज लेंसेज आर थिनर एट द सेंटर एंड दे आर थिकर एट द कॉर्नर्स, ठीक है, और एजेस, एजेस पे आप सर रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी जी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यूट्यूब पे अपलोड करेंगे आप? जी जी कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, यू कैन वॉच देम हियर, ठीक है। तो आपके जो लेंस होते हैं डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, ये डाइवर्जिंग लेंस जो आपको दैट इज थिनर एट द सेंटर एंड दे आर थिकर एट द कॉर्नर, सो दिस इज योर डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे जो है डाइवर्जिंग लेंसेज कहलाते हैं। और आई टोल्ड कि आपको जो डाइवर्जिंग लेंस होते हैं दिस डाइवर्जिंग लेंसेज बेसिकली डाइवर्ज लाइट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, किसी एक सिंगल पॉइंट से जो लाइट होती है उस लाइट को जो वो डाइवर्ज कर देते हैं। सो लेट्स सी के इसकी जो है वो डायग्राम कैसी होती है। ओके डाइवर्जिंग लेंस जो आपके वो इस तरह के होते हैं, डाइवर्जिंग लेंस जो आपके होते हैं वो तो इस तरह के नॉर्मली होते हैं कि लेट्स सपोज कि हाँ ये रहा, दिस इज द टाइप ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, ये आपका टाइप ऑफ डाइवर्जिंग लेंस है। एज यू कैन सी कि सेंटर से जो आपका ये लेंस थिन है, एजेस से जो लेंस आपका ये थिक है, सो दैट जो लेंस, ये जो लेंस आता है दैट इज बेसिकली डाइवर्जिंग लेंस। और ये जो टाइप का आपका लेंस है दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड योर बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये जो आपका लेंस है दिस इज कॉल्ड योर बाय कॉनकेव लेंस, ये आपका बाय कॉनकेव लेंस कहलाता है, क्योंकि इसकी जो दोनों साइड होते हैं दोनों साइड से कॉनकेव है, दोनों साइड जिसके जो वो इनर इनवर्ड कर्व्स हैं कर्व्ड हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड योर बाय कॉनकेव लेंस। दूसरा हमारा ये वाला लेंस होता है, इसकी एक साइड जो आपकी होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, और एक साइड जो आपकी होती है वो इस तरीके से इनवर्ड कर्व्ड होती है। सो ये जो आपका टाइप का लेंस होता है दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड योर प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। एक साइड जो आपकी है इसकी वो बिल्कुल प्लेन है, वन साइड इज प्लेन एंड द अदर साइड इज कर्व्ड इनवर्ड, वन साइड इज प्लेन द अदर साइड इज कर्व्ड इनवर्ड, सो दिस इज कॉल्ड योर प्लेनो कनकेव लेंस, ये आपको जो है वो प्लेनो कनकेव लेंस कहलाता है। तीसरा जो आपका लेंस होता है दैट इज कॉल्ड योर कन्वेक्सो कनकेव लेंस, उस लेंस में नॉर्मली क्या होता है दैट लेंस इज लाइक दिस, कि इस लेंस में जो है वो आपकी यस ठीक है ठीक है। तो ये जो आपका जो लेंस होता है एज यू कैन सी कि ये जो लेंस आपको होता है कॉर्नर से एजिस से आपका थिक होता है, और जो सेंटर होता है सेंटर से जो लेंस आपको होता है ये थिन होता है, तो दैट इज कॉल्ड योर कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो ये आपके तीन टाइप के लेंस होते हैं जो कि तीनों के तीनों आपको जो है वो डाइवर्जिंग लेंस के आपके कहलाते हैं। ये जो लेंस आपके होते हैं व्हेन एवर लाइट पासेस थ्रू दीज लेंसेज, तो लाइट ये जो लेंस आपके होते हैं ये लेंस जो होते हैं लाइट को जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो इसकी ये मैंने शेप आपको दिखा दी, नाउ लेट्स सी कि ये होते किस तरीके के। ठीक है, तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लेंसेस, थ्री टाइप ऑफ यू कैन से के डाइवर्जिंग लेंसेस। एक आपका होता है बाय कनकेव लेंस, ठीक है। बाय कनकेव लेंस में क्या होता है बोथ ऑफ इट्स साइड्स
आर कर्व्ड इनवर्ड्स, ठीक है, और कनकेव, ठीक है, दोनों साइड जो होती है वो अंदर की तरफ कर्व्ड होती हैं, या यू कैन से दे आर कनकेव, सो दैट इज कॉल्ड योर बायकनकेव लेंस, आपका बायकनकेव लेंस कहलाता है। सेकंड जो मैंने आपको लेंस बताया था दैट वाज योर प्लान, दैट वाज योर प्लानोकॉनकेव लेंस, ठीक है। प्लानोकॉनकेव लेंस में क्या होता है, वन ऑफ इट्स साइड इज प्लेन, ठीक है, और यू कैन से स्ट्रेट, एंड द अदर साइड इज कर्व्ड इनवर्ड्स, ठीक है। दूसरी साइड जो आपकी होती है वो कर्व्ड इनवर्ड होती है, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट कनकेव एज वेल। तो ये जो आपका लेंस होता है, दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड योर प्लेनो कनकेव लेंस, ये आपके प्लेनो कनकेव लेंस कहलाते हैं। देन वी हैव अ थर्ड टाइप ऑफ लेंस जो कि आपका कहलाता है कन्वेक्सो कनकेव लेंस। कन्वेक्सो कनकेव लेंस में क्या होता है, वन ऑफ इट साइड इज इनवर्ड एंड द अदर इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, ठीक है। एक साइड जो आपकी होती है वो अंदर की तरफ कर्व्ड होती है, एक साइड जो आपकी होती है वो बाहर की तरफ कर्व्ड होती है, तो दैट इज कॉल्ड योर कनकेवो, दैट इज कॉल्ड योर कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो ये आपके कन्वेक्सो कनकेव लेंस कहलाते हैं जी। सर ये ओटी क्या है, ओटी कहाँ है ओटी सर, ये पहले कॉनकेव के बाद मॉड सही है, सही है जी सर, ठीक है। तो ये आपको दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ लेंसेस, प्लेनो बायकन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड कनकेवो कन्वेक्स लेंस। अच्छा, ये जो आपके तीनों, ये जो आपके लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं और डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, ये लाइट को किस तरीके से कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं, अभी हम वो देख लेते हैं। सर ये मुझे लेंसेज बुक्स में तो मिल ही नहीं रही है डाइवर्जिंग वाले, पता नहीं यार तुम्हारी बुक में है भी कि नहीं है, लेकिन ये है तुम्हारे उसमें डाइवर्जिंग लेंस। तुम्हें सिर्फ थ्योरी पता होनी चाहिए, डिटेल में हम जो है कन्वर्जिंग लेंस ही करेंगे। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस मैंने आपको बताया, दिस इज योर कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस आप इस तरह का होता है, दिस इज व्हाट कन्वर्जिंग लेंस इज। इस कन्वर्जिंग लेंस से जब भी आपकी लाइट पास करती है, ये लाइट आपकी देखो आ रही है, दिस लाइट इज कमिंग, दिस इज योर इनकमिंग रेज, ये जो आपकी इनकमिंग रेज जब इस लेंस से पास करेंगी, सॉरी जब इन इनकमिंग रेज इस लेंस से पास करेंगी, देन ऑल दीज रेज विल मीट एट अ सिंगल पॉइंट। ये सारी सारी आपकी जो रेज हैं वो किसी एक पॉइंट पे आके मीट करेंगी, सो दिस मीन दैट ये जो आपका लेंस है, दिस लेंस इज कन्वर्जिंग ऑल द रेडिएशन। तो ये जो आपका लेंस होता है, दिस लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, ये सारी सारी लाइट को जब वो कन्वर्ज करता है किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। डाइवर्जिंग लेंस आप क्या करते हैं, दिस इज योर डाइवर्जिंग लेंस, यहाँ पर जब डाइवर्जिंग लेंस है, जब आपकी लाइट पास करती है थ्रू डाइवर्जिंग लेंस, देन व्हाट हैपन, ये लाइट आपकी आती है डाइवर्जिंग लेंस से, डाइवर्जिंग लेंस लाइट को क्या कहते हैं, डाइवर्ज कर देता है, इस लाइट को फैला देता है, लाइट आती है इसको डाइवर्ज कर देता है, लाइट आती है इसको क्या करता है, ये डाइवर्ज कर देता है। ये जो आपके टाइप ऑफ लेंस होती है जो कि लाइट को इस तरीके से वो एक्सपेंड कर रहे हैं, बल्कि डाइवर्ज कर रहे हैं, फैला रहे हैं फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, तो दीज टाइप ऑफ लेंसेज आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या कर रहे थे, वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे थे, एक पॉइंट पे उनको लेकर आ रहे थे, लेकिन जो डाइवर्जिंग लेंस होते हैं वो आपकी लाइट को जो है वो अवे फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट मूव करवा रहे होते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन विद दिस, विद दीज टू लेंसेज, ओके, सो दिस इज बेसिकली द बेसिक ऑफ योर लेंसेज। ये सारी चीज जो आप अभी तक हमने किया है, दिस इज योर बेसिक ऑफ लेंसेज। कल हम जो है वो थोड़ा इसकी थोड़ा इन डिटेल करेंगे कन्वर्जिंग लेंस को, कि कन्वर्जिंग लेंस जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एंड हाउ द कन्वर्जिंग लेंस आर यू नो ऑपरेटिंग। तो कन्वर्जिंग लेंस का जो ऑपरेशन है, इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग इन टुमारोज क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन स्टे, अदरवाइज यू कैन लीव योर अटेंडेंस।